टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में टीम इंडिया के टाइट शेड्यूल को लेकर बीसीसीआई पर निशाना साधा है, लेकिन अब विराट और बीसीसीआई एक नए मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने बीसीसीआई से अब खिलाड़ियों को कमाई में ज्यादा हिस्सा देने की मांग की है। विराट ने कहा, भारत में क्रिकेट से बढ़ती कमाई में प्लेयर्स का शेयर भी बढ़ना चाहिए। इस बारे में टीम इंडिया और बीसीसीआई के बीच शुक्रवार को मीटिंग होनी है। इससे पहले सितंबर में 2018 से 2022 तक के इंडियन प्रीमियर लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट स्टार इंडिया चैनल को दिए गए थे, जिससे बीसीसीआई को 5 साल के दौरान $2.5 बिलियन की कमाई होगी। प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बीती 30 सितंबर को खत्म हो चुका है। गौरतलब है कि विराट ने इससे पहले काफी बिजी शेड्यूल का भी इश्यू उठाया था। अब कोहली की विराट मांग का बोर्ड पर कितना असर होता है, ये अगले कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि खिलाड़ियों की ये मांग 200% जायज है। अ रिपोर्ट बाय टॉपस्पॉट हेडलाइंस। सब्सक्राइब कीजिए टॉपस्पॉट हेडलाइंस, दबाए बेल आइकन और पाएं देश दुनिया की खबरें सबसे पहले।